बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आफ्ताब परदेसी उर्दू टैग की तरफ से। जी दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ, एक ऐसा राज है अपने आपके मोबाइल के कैमरे का जो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और काफ़ी हद तक यूज़फुल भी होगा। काफ़ी बंदों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा, बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने ये कैमरे का राज बताया है कि ये कैसा राज है। बहुत ही बड़ा राज है। आप कोई भी टीवी रिमोट, एसी रिमोट या किसी भी चीज़ का रिमोट बाज़ार से ख़रीद करने जाते हैं तो उसको चला के देखते हैं, उधर उनकी वो मशीन पे सही काम करता है, इधर आके आपके पास नहीं काम करता। तो इसका भी एक हल है कि कैसे रिमोट कंट्रोल को उसी दुकान में चेक कर सकते हैं कि आपका रिमोट ठीक है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकॉन बना हुआ है उसे बजा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और सबसे पहले फर्स्ट में आ जाएं आप मेरी वीडियो में। जी दोस्तों, और मैं ऐसे ही रोज़ाना अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के। जी दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि हम बाज़ार में रिमोट कंट्रोल ख़रीद करने जाते हैं और वहाँ पे हमें रिमोट ख़राब मिलता है। कुछ दुकानों में जो है मशीन नहीं होती रिमोट कंट्रोल चेक करने की, चाइना रिमोट होते हैं तो वो ख़राब होते हैं। तो उनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल में कैमरा है, किसी भी मोबाइल में कैमरा, आजकल तो हर मोबाइल ही कैमरे वाला है, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं है। तो आज आपको मैं कैमरे का एक सीक्रेट बताता हूँ, आपके मोबाइल के कैमरे का सीक्रेट, जिससे आप किसी भी चीज़ का रिमोट चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने मोबाइल का कैमरा ओपन कर लेना है। जी दोस्तों, ये देखें मेरे मोबाइल का कैमरा ओपन हो चुका है। ये मेरे पास वूफर का रिमोट कंट्रोल है। वैसे तो ये आमतौर पर एलईडी जो है जलती हुई नहीं नज़र आती आपको, चाहे आप बटन भी दबा लें या नहीं तो ये आपको नज़र नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, हम नया रिमोट ख़रीद करने जाते हैं तो उधर रिमोट चेक करने के लिए उनके पास मशीन नहीं है, तो हमने क्या करना है, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है, उसके सामने रिमोट का कोई भी बटन दबाना है और देखना है कि ये देखें एलईडी आपको जलती हुई नज़र आ जाएगी। एलईडी ये देखें, वैसे तो हम देख नहीं सकते कि ये एलईडी जल रही है या नहीं, लेकिन इधर इससे रिमोट कंट्रोल से बटन दबाने से ये एलईडी जलेगी। जी दोस्तों, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि रिमोट कंट्रोल सही है या ख़राब है। जी दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और ये हर कोई बंदा इससे फ़ायदा उठा सकता है, ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि चाइना का माल होता है तो वो कुछ अच्छा माल भी होता है, कुछ दो नंबर भी होता है, तो इससे पता चल जाता है कोई कोई रिमोट ख़राब है या सही है। तो आप इसी तरह किसी भी चीज़ का रिमोट हो, चाहे एसी हो, बूफर हो, टीवी हो, रिसीवर हो, डिश हो, किसी भी चीज़ का रिमोट है, इसी तरह अपने कैमरे के आगे चेक कर सकते हैं कि रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होगा तो रिमोट की जो एलईडी है वो आपको जलती हुई नज़र आ जाएगी कैमरा में। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, मोबाइल का कैमरे का राज। ये एक बहुत ही बड़ा राज का मैंने खुलासा किया जो बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने किया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू शुरू से एंड तक आपने वीडियो देख ली होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लेके आता रहूँगा और अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस की मालूमात भी आपको देता रहूँगा और आपके मोबाइल के सीक्रेट भी आपको देता रहूँगा। जी दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।